जनपद संभल के हाथरस में सपा और आरएलडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में सपा और आरएलडी के संयुक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान का विवादित बयान कहा, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अनुरोध करता हूं कि अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी जाए उसके हाथ में एक लाठी जरूर हो, जिससे कि फिरका परस्त ताकतों से निपटा जा सके। जो लोग देश को बांटना चाहते हैं और नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उनसे निपट सके। एसडीएम दफ्तर पर योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया बयान। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ठोक दो, तो वो अपने लोगों से कहा करते थे कि पुलिस को भी ठोक दो। तो बहुत अफसोस हुआ जब 8 और 10 सिपाही जो सुरक्षा करने वाले मारे जाते थे, हमें दर्द उनका भी है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मैं इस बात का अनुरोध करूंगा, ये बात तो दावे से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, लेकिन ये अनुरोध जरूर करूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ में जब कहीं जाए तो एक एक लाठी भी जरूर हो, जो इन फिर के परस्त ताकतों से निपटने के लिए उसकी जान बचाने के लिए काफी हो। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के ये बात चौहान साहब जरूर भेजूंगा कि ये भी हमारे लिए कर दो कि एक एक लाठी लेके कार्यकर्ता दिखेगा, ताकि जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसान से लेके नौजवान तक जिसको नौकरी नहीं दे पाए, लॉकडाउन में गरीब मर गया प्रवासी सफर में।